एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। बिहार में जातीय जनगणना के मामले में केंद्र ने दायर किया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में कहा, जनगणना कानून 1948 की धारा 3 सिर्फ केंद्र सरकार को देती है जनगणना करवाने का अधिकार। मुंबई में होने वाली INDIA की बैठक से पहले तेज हुई खींचतान। कांग्रेस और उद्धव ने कहा, बैठक से पहले भ्रम दूर करे शरद पवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। देश आज मना रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं और बहनों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 29 अगस्त रात 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक सभी सरकारी बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों के साथ जेपी नड्डा की बैठक आज। आने वाले चुनावों पर होगा मंथन। महासचिवों के प्रभार वाले राज्यों के फीडबैक पर भी होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीट पीट कर छात्र की हत्या। परिवार वालों का छेड़खानी रोकने पर हत्या का आरोप। बहन के साथ स्कूल से लौट रहा था छात्र। पुलिस ने बताया आपसी विवाद। हिरासत में 3 लोग। तोशाखाना केस में इमरान खान की याचिका पर फैसला आज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कुछ ही देर में सुनाएगी फैसला। इमरान ने की थी 3 साल की सजा को खत्म करने की मांग। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरी भीड़। बिजली की कीमतें और बिल पर टैक्स लगाने का विरोध। लोगों को बिल नहीं जमा करने के लिए मस्जिदों से अपील। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यता रखते हैं। तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। सब लोगों को लगता है कि राहुल गांधी बने।